हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आए हैं पिछले साल SBI में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो एक देखिए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इस क्वेश्चन में गिवेन है कि प्रजेंट एज ऑफ ए प्लस बी, प्रजेंट एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज 22 ईयर्स। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आपका एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 22 ईयर्स। ए है परसेंट का दिया हुआ है। तो देखिए, आपका ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी तीनों का उम्र मिला के परसेंट में कितना हो जाएगा, 66 ये परसेंट का है। फिर आगे नेक्स्ट इसमें गिवन है कि 3 ईयर्स एगो, जो 3 साल पहले है, 3 साल पहले बी प्लस सी का उम्र कितना है, एवरेज है, बी और सी का एवरेज कितना है, बी और सी का एवरेज कितना है, 18 ईयर्स। तो देखिए, तो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 36 ईयर्स। ये कब का है, ये 3 साल पहले का है। तो देखिए दोस्तों, अगर 3 साल पहले का है, 2 का है, तो अगर दोनों का करंट में आना है तो दोनों में 3-3 ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें भी +3 आपका करना पड़ेगा और इसमें भी आपको +3 करना पड़ेगा। दोनों के उम्र में आपको 3-3 साल का इजाफा करना पड़ेगा, मतलब उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे उसका प्रजेंट एज निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो बी प्लस सी का यहाँ प्रजेंट एज कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए 36 पहले से 3 साल पहले था, अब कितना इसमें 3 बी के लिए ऐड करेंगे, 3 सी के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 42 ईयर्स। और ये प्रजेंट एज अब हो गया। तो देखिए, यहाँ प्रजेंट एज ए प्लस बी प्लस सी तीनों का गिवेन है, तो इसमें बी और सी का माइनस कर देंगे तो ए का प्रजेंट एज निकल के आ जाएगा आपका 66 माइनस आप 42 कीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 24। फिर क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि फाइंड ए का एज 9 ईयर्स हेंस, मतलब अभी से प्रजेंट से 9 साल आगे। तो ये तो प्रजेंट था, अब 9 साल आगे पूछा गया था, इसमें और 9 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 33 ईयर्स आंसर। ये मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आपको गिवन है बी, स्पीड ऑफ बोट हम बी माने हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट धारा जिसको कहते हैं सी माने हैं, तो इसका रेशियो कितना है, 8:1 गिवन है। तो देखिए, यहाँ से बी आपका निकल कितना रेशियो के फॉर्म में, तो हम एक्स के फॉर्म में पहले मान लेंगे 8x, और सी कितना है, एक्स। फिर नेक्स्ट यहाँ कहा जा रहा है कि 67.5 किलोमीटर इज ट्रेवलर इन डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स। तो देखिए, ये डाउन स्ट्रीम यहाँ कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में आपको क्या होता है, दोनों का चाल ऐड होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट। और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बी माइनस सी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो देखिए, यहाँ आपका क्या डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल इनटू समय। तो देखिए, डिस्टेंस कितना था, 67.5, और स्पीड देखिए, स्पीड की बात आ गया, तो देखिए स्पीड में क्या लेंगे, तो देखिए स्पीड में आप लीजिएगा बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ डाउन स्ट्रीम कहा गया है, डाउन स्ट्रीम यहाँ गिवेन है, तो इसी कारण बी प्लस सी ले लिए, और टाइम आपका 2.5 गिवेन है, तो देखिए बी का जगह आप क्या पुट कीजिएगा, देखिए यहाँ 67.5, और बी आपका यहाँ 8x है, और सी
एक्स है, तो दोनों को ऐड करके आप यहाँ 9x लिख दीजिए इंटू 2.5, तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3। और एक्स का वैल्यू आप इसमें पुट कीजिएगा बी में, तो बी आपका 24 आ जाएगा और सी आपका 3 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब इसमें फाइंड करना है बी माइनस सी, तो 24 माइनस 3 आप माइनस कीजिएगा तो 21, ये आपका आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन नंबर आपका डी रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना होता है 2l प्लस बी, ये होता है और ये आपका गिवन है 84 मीटर, ठीक है। तो देखिए और उसका जो लेंथ है ब्रिथ से 6 ज़्यादा है, तो देखिए हम ब्रिथ मान लेते हैं x है, ठीक है, और लेंथ कितना है x प्लस 6 ज़्यादा 6 है, तो 6 मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए आप यहाँ से आप l का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा x प्लस 6, b का वैल्यू x पुट कीजिएगा, तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर आपको निकल के आ जाएगा 18, ठीक है। फिर आपको इस 18 का वैल्यू b में पुट कीजिएगा तो b आपका 18 आ जाएगा और आपका l कितना आ जाएगा 24। आगे बोला गया एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है l इंटू b, तो आप 24 इंटू 18 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 432, ये आपका रहा आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला रहता है, होता है जो दो साल के लिए आप कम्बाइंड, आपको अगर सीआई निकालना हो, कम्बाइंड सीआई निकालना हो दो साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए कम्बाइंड सीआई निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली इन 1716 रुपया। मीन्स देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन का कहने का मतलब समझिए कि आपके पास जैसे 100 रुपया था, 100% था, आपको इंटरेस्ट लेके, जो इंटरेस्ट लेके समझिए आपको, देखिए 100 रुपया था, आपको इंटरेस्ट लेके आपको 114 रुपया मिला, तो ये आपको 14 रुपया क्या हो गया, सॉरी ये 14 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आपको जो 14 रुपया एक्स्ट्रा मिला ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंडली भी हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या आपको गिवन है। तो मैं तो ये एग्जांपल लेके बताया था, तो देखिए आप देखिए सबसे पहले आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड फॉर्म में निकाल लीजिए, तो देखिए 20% है पहले साल का भी, तो 20% यहाँ दूसरे साल भी 20% होगा, फिर यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू 20 तो आपको यहाँ निकल के आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड रूप से आ जाएगा 44%। मीन्स आपके पास अगर कोई पैसा 100% था, ठीक है, आपको वो मिलेगा कितना 144%, मतलब 44% उस पर इंटरेस्ट ऐड होकर 144% मिल जाएगा, ये आपका क्या होगा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया अमाउंट। तो देखिए ये जो डिफरेंस कितना है 44%, जो 44% इंटरेस्ट का डिफरेंस है यहाँ 44%, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1716 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है 100% का, मतलब आप मूलधन का निकाल लीजिए, मूलधन आपका जो मूलधन है उसका यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1716 अपॉन 44 इंटू 100, तो यहाँ से आपका ये मूलधन, ये पी आपको निकल के आ जाएगा 3900, मतलब 3900 रुपया आपका, ये आपका क्या रहा मूलधन रहा। फिर इसमें क्वेश्चन आगे गिवन है कि इस मूलधन पर आपको 3 साल और 15%
इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो देखिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो देखिए पी आपका कितना हो गया 3900 और आर आपका गिवेन है 15%। आर आपका यहाँ रेट हो गया, हिंदी में इसको दर कहते हैं, और टी मतलब टाइम और समय जो 3 साल है अपॉन 100। तो देखिए आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 1755 रुपया। ये आपका रहा आंसर। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए देखिए इसमें कहा जाएगा इन प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट के बदले एक आर्टिकल को हम बेचते हैं 42% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो सेलर जो गेट उसको 110 रुपया 40 पैसा अधिक मिलता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि उसका जैसे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 100 रुपया है। फिर आगे पहले तो 18% प्रॉफिट पर बेचा था, आप 100 का 18% निकालिए तो 18 और 100 + 18 118 रुपये में वो बेचा, ये पहले के अनुसार है, ये पहले के अनुसार। फिर आगे वो है इसी 100 रुपये में फिर बोला गया कि इसको 42% है, 42% प्रॉफिट पर बेचना है। तो 100 का 42% निकालिएगा तो 42 आएगा और 42 100 में ऐड कीजिएगा तो 142 आएगा आपका। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। और ये दोनों का आपका डिफरेंस कितना है, देखिए दोनों का डिफरेंस आपका कितना है 24। तो यही कहा गया कि ये जो डिफरेंस आया है इससे उसको फ़ायदा कितना हो गया है 110 रुपये 40 पैसा में। तो देखिए 24 है तो इसको कितना का फ़ायदा हो गया 24 यूनिट कितने के बराबर हो गया 110.40। तो देखिए यहाँ से आप एक का वैल्यू निकालिएगा तो 110 अपॉन 24। तो देखिए आपका है एक का कितना निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू आपका यहाँ हो जाएगा 4.6। तो देखिए आपको कॉस्ट प्राइस कितना 100, तो आप 100 का यहाँ निकालिएगा तो 100 का कितना हो जाएगा आपका 4.6 इंटू 100 मीन्स आपका 4600 आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट, सॉरी 460 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 460 रुपया, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ वर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। अब इसको अगर 25% प्रॉफिट पर बेचें तो इसका हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 460 रुपया कॉस्ट प्राइस है, आप इसको 25% निकाल दीजिए, 125 अपॉन 100 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से आंसर आपको आ जाएगा 575 रुपया। ये रहा आपका आंसर। देखिए 25 से 4 टाइम 25 से 5 टाइम, तो देखिए 4 से यहाँ 1 1 5। तो देखिए 100 × 5 = 500 और 15 × 5 = 75, 575 आपका आंसर हो गया। तो यह रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका गिवेन है कि ए और बी वर्किंग एलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड 15 डेज। ए और बी अकेले काम करता है तो ए कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। तो देखिए अब यहाँ से आप इसका टोटल वर्क जो एलसीएम रहेगा टोटल वर्क के बराबर होता है, एलसीएम आपका कितना हो गया 60, ठीक है। तो देखिए 60 में आप 20 से डिवीजन दीजिएगा तो 3 और 60 में आप 15 से डिवीजन दीजिएगा तो 4, मीन्स आपको ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। दोनों अगर ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी यहाँ मिल के एक दिन में 7 यूनिट करेंगे काम, ये ए बी दोनों मिल के एक दिन में। तो देखिए
इसमें आगे क्वेश्चन में आपका गिवन है कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ करते हैं, बट वी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। अब कितने बार कितने दिनों बाद छोड़ा ये गिवन नहीं है, लेकिन आपको फिर आगे गिवन है कि ए फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। मतलब देखिए, अब लास्ट में क्या किया, 6 दिन में सिर्फ ए काम किया, बी तो किया नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में ए कितना काम करेगा, 3 मिनट, और 6 दिन में कितना कर देगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये 18 यूनिट ए के द्वारा लास्ट के 6 दिन में किया गया है, तो आपका टोटल वर्क आपको कितना करवाना है, 60 यूनिट। तो देखिए, टोटल वर्क आपका कितना है, 60 यूनिट जो है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 18 यूनिट, तो आपका कितना बचेगा, 42 यूनिट। तो ये जो 42 यूनिट है, ये दोनों मिल के किए होंगे, ठीक है, ये 42 यूनिट दोनों मिल के किए। तो देखिए, 7 यूनिट, ये देखिए, दोनों मिल के 7 यूनिट एक दिन में करते हैं, 7 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 42 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। मीन्स आपका देखिए, दोनों साथ मिल के 6 दिन तक काम किए। तो देखिए, फाइंड द आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम स्टार्ट बी लेफ्ट द वर्क, मतलब 6 दिन साथ मिल के किए, फिर 6 दिन बाद बीच चला गया, एक काम अकेले किया। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ऑफ 2 आर्टिकल इज 80 लेस देन प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ऑफ 3 आर्टिकल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दोस्तों जैसा क्वेश्चन बोला हुआ है वैसा ही हम करेंगे, कुछ भी अपने से एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट है ना, आप प्रॉफिट यहाँ लिखिए, 2 आर्टिकल का आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इक्वल टू कीजिए, फिर क्या होगा, 3 का प्रॉफिट है ना, तो आप 3 लिखिए, 3 का प्रॉफिट कीजिए, माइनस 80 कर दीजिए, क्योंकि 80 लेस देन है, ठीक है। इतना तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ 2 लिखिए, देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 लिखिए, प्रॉफिट इधर भी क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस 80। तो देखिए, आप यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा दोस्तों, तो आपको जो सेलिंग प्राइस है और माइनस कॉस्ट प्राइस का जो अंतर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मीन्स ये जो एक का आ गया ना, क्योंकि यहाँ एक बचा है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, 80 के बराबर आ गया। तो आगे क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ 20% प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ऑफ 1 आर्टिकल। तो देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, तो देखिए 1/5, तो ये क्या हो गया, CP हो गया, ठीक है। और ये तो गेन किया है ना, ये गेन किया है, तो 5+1, तो ये आपका कितना हो गया, SP हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ CP कितना है, 5 है, और SP कितना है, 6 है। तो देखिए, एक आर्टिकल का जो CP 5 यूनिट है और SP 6 यूनिट है, जो एक का जो ये डिफरेंस ये प्रॉफिट है, यहाँ भी आपका एक ही आर्टिकल का है SP माइनस CP, यहाँ भी एक ही का है, तो ये जो एक यूनिट यहाँ है वो कितने के बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। देखिए, यहाँ एक का ही हम निकाले हैं, तो यहाँ एक यूनिट, एक आर्टिकल का यहाँ कितना हो गया, 80 यूनिट हो गया। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में फिर आपको गिवन क्या है, यू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए, यहाँ एक यूनिट का आपको 80 रुपये है, तो देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना, 5 यूनिट है, तो यहाँ से 5 यूनिट आपका आप निकाल लीजिए वैल्यू। तो देखिए, 8×5=40, तो कितना हो गया, सॉरी, एक का यहाँ 80 हो गया है। तो देखिए, तो आपको 5 का निकालना है, तो 5 में आप निकालना है, तो 5×80 कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। जो 400 आ जाएगा, तो आपका ये रहा ऑप्शन नंबर ई, आपका 400। तो आशा करते हैं दोस्तों, आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।